आमिर फानी साहब ये बताइए कि आपके पास ज्यादा मर्द आते हैं तावीज देने या फिर खवातीन? मर्द अड्डी जल्दी नहीं आंदे, खवातीन फटाफट आ जाएंगे। आमिर फानी साहब मैंने सुना आपने कई शादियां कर रखी हैं। आहो जी, चार शादियां, जिथे जाना एक बीवी रखना। तेरा जादू मेरे ते नहीं चलता। कैसा प्रोग्राम हो रहा है, किस तरह के लोग लाइनअप किए हैं? चार जनानियां रख के सुख है, उन्होंने पालना, उन्हें एक सुरही नहीं मान, $150 की आमदी जे तुहानू तो पता ही होगा। उधर वेख के गल कर, नहीं फानी साहब नहीं, तेरे मोकलां दी मैं गिची नप के ना मरोड़ देनी मैं उन्होंने। उन्हें इतने मेसनी बिल्ली नहीं होती, मुंह ते हाथ लग गया जी बह जाएगा, मस्कीन गरीब बन गए। प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महक महराज। आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं वो खुद साख्ता माहिर अमलियात हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन आजकल ये अमेरिका के दौरे पर हैं। इनके साथ मौजूद हैं एक ऐसे मुतासरा शख्स जो ना सिर्फ अपनी दौलत गंवा चुके हैं बल्कि दूसरों से उधार लेकर इन आमिल बाबा को पैसे दे चुके हैं। आइए सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। जनाब आमिल फानी साहब, अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में की दसा, साढ़े को बढ़िया तजलिया ने, सी बड़े बड़े इलम किते ने, बंगलादेश के जंगलों च, इंडिया के जंगलों च गए, मेरे को बड़िया ज्यादा जिननिया पसाइया ने। मैं एवं खाम खा झूठ पिया बोलता, जिननिया फसाइया ने, तो उत्थे मैं गया तो बंगलादेश के जंगलों के बड़ा संन्यास किया। तू केड़ा काम किया? मतलब ए जी जाली बंदा है, जाली। मैं दस देना जी, ए जी जाली बंदा है। पैनी है, बर्फ पैन तो बाद सर्दी हो जाएगी, तो सर बर्फ तो बाद ठंड हो जाती है, बर्फ तो बाद ओए ठंड हो जाती है, सारे नु पता है। ये प्रोग्राम हो रहा है, प्लीज सीरियस रहिए। जनाब आप अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम जी शकूर, अब्दुल शकूर। सीधी तरह से अपना नाम बताइए। तो मैं सीधी तरह से बता रहा हूँ, और मैं की मतलब की कर रहा हूँ, सीधा सारी जिंदगी नहीं हो सकता। आमिर साहब अपने कारनामे बताइए आप जरा। धागा लैके जांदा मेरे को, फूक चूक मरवांदा है। मैं दस्या तुहानू ऐ हुण अजकल दिन जी रात ने बड़िया लंबिया हो जानिया ने। सर्दियों के रात लंबिया हो जाए ने, पता नहीं कितों आ गया तू, अताउला का गाना सुन के रात वे लंबी लंबी रात, चोरी चोरी आया कर, हालत बंडाया कर, पता नहीं कौन है कहू कि सड़िया जी जाली बंदा है। डालर लुटन लिये जी पाकिस्तानी आवाम हैगी ना साड़ी जी बेवकूफ, ये उन्होंने लुटन आया इतने। लेकिन मैंने इनके बारे में सुना, इन्होंने इमरान खान को भी कोई तावीज वगैरह शादी कर दिया था। बिल्कुल असि उन्होंने, मैं ही तो दिता सी उन्होंने, तुसी वेख नहीं अक्सर वो अपने हाथ ते पा के फिरदे हुंदे ने, उस चीज दा असर है सिर्फ वो हाथ ते तावीज पा के फिरदा ना। ए ओदी जिहड़ी शादी हुई ओ वी इन्हां ने कराई है, ओ जिहड़ी पीरनी साहिबा ने जिहड़ा तावीज लिया सी शादी लई, ओ इन्हां ने ते दित्ता है। ओ हुणे कवे काहो मैं दित्ता, हालांकि मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा। मैं ही दित्ता सारे काम, असि कर रहे हैं वो जे बड़ा वड्डा इन्हे सारे दो नंबर काम किए ने। आमिर फानी साहब ये बताइए कि आपके पास ज्यादा मर्द आते हैं तावीज लेने या फिर खवातीन? ओए मर्द अड्डी जल्दी नहीं आंदे, खवातीन फटाफट आ जांदियां ने, उन्होंने पता लगा बाबा जी आए ने, भजदियां भजदियां आंदियां ने मेरे को अपने हवन सही करवाने वास्ते। किसी का जुआ खेडदा, कोई करुण नस जांदा, कोई विआह दे चक्करां च बाबे को तवीत लै के जांदियां ने, तां उन्हां दे घर पे चलदे ने। अच्छा इंज नहीं बाबे बन जी दा, बड़ा इलम सिखिया असीं पहाड़ां दे विच जाके, चिल्ले कट्टे ने रातां दे विच, अंधेरियां लंबियां रातां च चिल्ले कट्टे ने, ठंडियां ठंडियां रातां च चिल्ले कट्टे। बड़े बड़े बच्चा मेरे कोल अज, तू 10 साल पहले आया सी, देख रहा कौन जा बैठे है अज। तू अपनी गल कर, मेरी गल ना कर। ए पाकिस्तान दा विजी रहंदा है, उत्थे उत्थे लाइटां नहीं होंदियां, रात नूं लाइट चली जांदी है, जिर वेले नेरा हुंदा है ना उत्थे बह के फिर तस्वीर पढ़दा, ते ओनू कहंदा कि जी असीं चिल्ले कर रहे आ नेरे दे विच बह के। बाबियां दा कदी तू बणिया कब्रिस्तान दे विच रात नूं?
ये कैसा प्रोग्राम हो रहा है, किस तरह के लोग लाइनअप किए हैं? आमिर साहब, आप अपने अमेरिका के दौरे के बारे में बताइए, आप यहाँ पे आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा सोना महसूस कर रहे हैं जी, असि तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं अमेरिका नु। पता नहीं कुछ सेट कुछ सेटिंग शूटिंग चल रही है, कोई डॉलर डूलर तो नहीं देते तू इन्हें? किन्ना नु? ए जेडे एंकर हैगे ने। अरे नहीं, मैं बिल्कुल मैं एंकर हूँ, आप मेरे बारे में इस तरह कैसे बोल सकते हैं? नहीं नहीं, मतलब साहब आमिर साहब आप प्लीज, मैं एंकर हूँ, मैं अपने सवाल कर रही हूँ, आप इस तरह ना बोलें। वो भी औरत थी, उन्हें भी पता है बाबा जी की करामात, चलो खैर सही है। आमिर फानी साहब, मैंने सुना आपने कई शादियां कर रखी है। आहो जी, चार शादियां, जिथे जाने एक बीवी रखना। बड़िया अच्छिया ने जी, जिथे जाओ तुहानू अगे बीवी लभदी है, लत्ता छत्ता घुटदी है, बाबा जी थक भी जांदे जे रिड़क रुड़क जाए ते सट ते पूरा होना चाहिए ना, स्पेयर च रखी है, मतलब सट पूरा हो जाए ना, चौकड़ा पूरा होना चाहिए कि जी एक मर जाए तो चलो फिर दूजी लैके आओ। तो पिंड जा, मैं तेरी तो उत्थे ठुकाई करावांगा, मैं तो तेरी घर वाले नु एक एक गल करके दसांगा, मैं तैनू फोन करके दसांगा। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਬਾਬੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡਾ ਆਸਥਾਨਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਆਸਥਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਬੇ, ਇੱਥੇ ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਟਮੱਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਪੱਕਣ ਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈਨੇ, ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। शकुर साहब, जब आप इनकी इतनी मुखालफत कर रहे हैं तो आप इनके पास वापस क्यों गए, जब ये जाली हैं तो? और देखो जी, बिल्कुल जी बिल्कुल सही पूछे, पूछो मैं बकवास कर रहा हूँ, करो करो, लेकिन प्रोग्राम को थोड़े मुनज्जम तरीके से कीजिए। देखो मेरी गल सुनो, मैं बहुत गुस्से च है गया, ठीक है, एक जाली बंदा इन्हें मेरे बहुत सारे पैसे खाए, ठीक है, बचपन दे भी स्कूले पढ़ता मेरी शह खो लैंदा सी, हुण जिहड़ा ना आके मेरे को पैसे खो लैंदा कि जी तवीज़ तवूज़ देंगे, साड़ी एक रिश्तेदार सी, मेरी गल सुन, जरा चुप करके मम्मी तेरा मैं गल कर रहा, मैं इत्थे तेरियां गल्लां नहीं सुनणा, प्लीज प्लीज एक मिनट, देखो नहीं नहीं प्लीज प्रोग्राम का डेकोरम बरकरार रखें प्लीज, आप बोलिए, मैं भी मेहमान हूं तुम्हारे प्रोग्राम में, मेरी भी इज्जत है ना, नहीं लेकिन आवाज नीचे, मैं भी आवाज नीचे ऊपर कर सकती हूं प्लीज, अभी आवाज नीचे आराम से। अच्छा चलो, मैं जरा अपना वॉल्यूम जरा थोड़ा स्लो करो करो जी। अच्छा मेरी गल सुनो, मेरे एक रिश्तेदार सी जी जी, ओदा रिश्ता नहीं हो रहा सी, किते बाबे ने कहा साडे नाल करा दे, एला हुण एहो जे बाबे दा तुसी की करोगे? एक जी मेरे कोल होवे रहा एहो जे बाबा, मैं ओनू जेड़ा कोलू होंदा ना सरों दा, कोलू दे विच दे के ओदा तेल कढ़दा मैं। मुझे तो कहीं लगता है कि आप भी इन्हीं के साथ मिले में कुछ इस तरह का। देखो मैं जी गल कर रहा सी, मैं अपनी गल कंप्लीट करन दे, ए नहीं करन दे, हां बोलिए, ठीक है, ए जरा मीडिया ना, मीडिया ते सच नू आण दियो, सच नू आशकार होण दियो जी, ठीक है, लोकां नू पता लगे कि जिहड़े जिहदे कोल तवीज़ लैके जांदे ने, इहदे कोल इक छोटे जिहना किताबचा भी हैगा, जंतरियां पढ़दा है, उत्थों तवीज़ लिख के दिंदा लोकां नू, इहदे कोल किहड़ा इलम है? देखो जी, इन्हू कहो सूरह इखलास सुनावे, गल करे लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, आराम से इन्हू कहो सूरह इखलास सुनावे, इन्हू नहीं आएगी, मैनू पता है। अच्छा लो रहने दे, पता है मैनू तेनू बड़ी आंदी। अच्छा एक कुड़ी दा निकाह नहीं हो रहा सी, ते मैं बाबा जी ने तेनू ऑफर ते कीती सी, आओ उन्हें बोल ले, देखो मैं गल कर रहा, ठीक है, ते मेरा दिमाग खराब हो गया ना, मेरा बहुत नहीं 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 नहीं, शकुर साहब प्लीज प्लीज, नहीं ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें शकुर साहब प्लीज, चलो नहीं करता, आप कहानी जारी रखें, चलो नहीं करता जी, अल्लाह हु, वैसे एक दो टिश्यू मंगा लो, मैं जरा कभी कभी मेरे हंजू आ जाते हैं। अच्छा वो उस कुड़ी का निकाह नहीं हो रहा सी, मैं क्या बाबा जी को तवीज़ तबूज दो, कुड़ी का निकाह हो जाए, मतलब हर बंदे की ख्वाहिश होंगी कि जी साड़ियाँ जी धीं भैन है उन्होंने रिश्ते रुश्ते हो जाए,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰਾਓ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਏ। ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਐ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਾਬਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਨਕ ਲਵਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਫਾਨੀ ਟੈਂਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਾਨੀ ਓਮਿਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, अभी आप अपनी कहानी जारी रखिएगा। नाज़िम, खुद आमिल को बुरा कहने वाले ये शख्स इनके साथ मिले हुए नजर आते हैं। इस गुफ्तगू का सिलसिला मजीद जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ये देखो जी, इल्जाम लग रहे हैं मेरे पे। मेरे तो लग रहे, तेरे तो लग रहे। जी शकूर साहब, आपने अपना किरदार खुद मशकूक बनाया हुआ है। आपको कब पता चला कि ये पहुंचे हुए आमिल हैं? ओ भाई, पहले मैंने नहीं से पता। एक मरतबा ये होया कि जी मेरे को एक मज सी, ठीक है, ओदे जड़े वेखो ओदे कट्टे 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 कट्टे। मैं क्या चलो एदा इलाज कराओ, ए तो को कोरोना कोरोना ते नहीं हैगा इनू। आ मास्क लगा लो। नहीं, वो असल च उन्होंने कहा कि जी ये सारा इतने जरा ना सैनिटाइज वाइज किया है सारा, वो हाथ भी धोया उन्होंने, एक मशीन हैगी इन्हां कोलों। ते की अपनी मज दी गल पूरी कर। हाँ, मज दी मैं गल कर रहा सी। बाबा एक जाहल बाबा, मेरे हुण मुँह कोल कोई होर सुनेगा तू। देखो जी, ये मेरी माँ जी जरा ने जी कट्टे 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 दे रही थी, कोई कट्टियाँ नहीं दे रही थी। मैं क्या बाबा जी को यह जहाँ तवीज़ दो, कोई कट्टियाँ आन ताकि मेरी माँ जी की नसल अगे बदे। फिर दस बाबा जी जरा तवीज़ दिता सी, ता कमाल दस। बाबा जी ने एक तवीज़ दिता, ठीक है। ते उस तो बाद मेरी माँ जी ने जरा जी हूँ ये नहीं पता कि इन्हों की करामात है ने, ओ कोई इन्हों की कोई तजली सी या इन्हों का कोई मतलब कोई करम सी या फिर कोई अल्लाह ने मेरे दिल च पाना सी कि भाई तू यदि इज्जत कर, ठीक है, या फिर ये ईमान पक्का कराना सी। मेरे को जरा जी कट्टी आ गई। फिर मेरे को एक साईवाली वैड हैगी, ठीक है, ओ मतलब वो दूध का बड़ा मसला सी। वो बस आई 2-4 किलो दूध देना उन्हें, खा लो 3-3 किलो खाती सी, फिर चोखर खाना उन्हें, फिर सुके टुकर खाने उन्हें, फिर उस तो बाद तेल पिलाने। अच्छा, उस दी मैं उन्होंने खल भी खवादा सी, मतलब इन्ना खर्चा वो देते। तो खैर जो वंडे वुंडे आने अजकल है भी वंडे दे, तेनों पता 540 रुपये की बोरी आती सी उस वेले, जेडे वेले मैं मतलब जेडे वेले दी मैं गल कर रहा अज तू अज तू 5-4 साल पहले। मेरी गल सुन, गल सुन लै मेरी तू। मैं तेरी बहुत बकवास सुनी है, हूँ मेरी गल सुन लै जरा। बड़ा तू बाबा, तू बाबा होएगा, तेरा जादू मेरे ते नहीं चलता। ਤੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੌਰ ਹੋਰ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਜਾਦੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤਵੀਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਤਵੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੇਰਾ ਜਾਦੂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲੱਭ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸੰਨਿਆਸ ਕਰ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਤੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ बकवास कर रहा है सारा इत्थे बैठ के। मैं जिहड़ी गल कर रहा ना, पहली वो गल सुन लो मेरी,
मैं लेट मी कंप्लीट टू माय स्टार्ट। अच्छा उस तो बाद फिर मेरी जी वैड हैगी उन्हें बड़ा दूध दिता बई बड़ा दूध दिता उन्हें बाद ही मैनू पता लगे कि जी मैं तो उन्होंने जॉडल तो बरसीन लिया रहा इसलिए उन्हें दूध दिता। बाबा जी ने एवं खाम खाद में एक तवीज़ पाता तो ये बड़ा एक जाली लेकिन उस वेले मेरा ईमान हो गया सी इहदे ते उस वेले ईमान हो गया सी मेरा। मैं तेनू बड़ा दूर तू जानना मतलब ये इतने अमरीका दे विच तेनू कोई जानता ही नहीं है मैं तो बड़ा दूर तू इहनू जानना इतने आके बड़े दो नंबर काम करता इतने आके ठीक है इतने आके इतने आके लोग की करते हैं को तवीज़ लेंगे कि जी जो फलां बिजनेसमैन है ना वह जो बिजनेस उत्ते जा रहा वो दुकान उत्ते जा रही है वह होटल उत्ते जा रहा वह फलाना काम उत्ते जा रहा वो थले आ जाए तो मेरा काम उत्ते चला जाए मतलब वेखो ना कि बुरी गल है। तो यहोजे बंदे डालर के बस विक जाते हैं अपने ईमान वेचते हैं अपने जमीर वेचते हैं तो इन्हें वेचे वो कहना मेरी प्रॉपर्टी जो मैं वेच दिता मतलब ये अपना दिल भी अपनी एक प्रॉपर्टी होंगे ना मैं दिल थोड़ा बेचा मैं तो तवीद बेचना और दिल तो कम स्पेनिश ने देते हैं ना आते हैं उन्हें देना चाहिए बेला मेरा तो कारोबार है तवीद देना ऐ अल्लाह दे लोकां दा दुनिया दे लोकां दे नाल जिहड़ा ताल्लुक होंदा ना वो सिर्फ इहो जिहा होंदा कि उन्हां दे मुश्किलां आसान करे तेरी वर्गा नहीं कि मुश्किलां लोकां दीआं फिर होर वधा देवे तू अपनियां दस तेरियां सारियां आसान होईआं सन मेरियां कोई आसान नहीं होईआं मुश्किलां इधर हाथ अपना दूर रख तू मेरे को लंब ले डोंट टच मी What is not I, 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 I told you, मतलब मैं तन लास्ट वार्निंग दे रहे हैं उन, मैं तो नूं पूरा किस्सा इहदा दस्सां इह पूरे महीने दी अंग्रेजी में अज बोल छड्डी सारी जिहड़ा शकूर साहब तुहानूं कह रहे ने शकूर साहब दा तुसीं सुन लवो बाबे नूं कहिंदा है कि दिल ते ईमान अपना वेच छड़िया ऐ ओह बंदा है कि जिहड़ा इहनां नूं नप के मेरे कोल लै के आउंदा मैं ते जी 100 रुपए की पर्ची देना वा विचों उहनां कोल किन्ने लैंदा पुछो जरा तुसीं इहदे कोल ना कर सारा झूठ है खाली सिर्फ लोगों के उत्ते दबाव पाने लोगों वखाण लई कि मेरे को मुअक्कल है तेरे को मुअक्कल है तो हुण कटके वखा तेरे पैरों के खलोते किथे मैनू तो नजर ही नहीं आ रहा मैनू तो नजर ही नहीं आ रहा चलो खिड़की दे कोल खड़ा कर दे जिन्हां दे कोल खिड़की दे कोल खड़ा कर दे जिन्हां नूं झूठ बोलदा पूरा वेखो कोई बंदा तुहानूं नजर आ रहा है जाओ जाओ तुसीं जाओ जाओ गल करो जाओ जाओ पूरे दी गल नहीं गुस्सा नहीं करना जाओ चलें खामोशी की बातें भी रोकते हैं। आमिर साहब आप लोगों को इतना लूटते हैं क्या करेंगे इतना पैसा कमा कर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਹਨਮ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਚਾਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ $150 ਦੀ ਆਮਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸ਼ਕੂਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਬੱਬਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਇਧਰੋਂ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਕੋਰਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਅਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਲਬਤਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਉਹ ਸ਼ਕੋਰਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਤਵੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਵੋ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ 2, 3, 4, 5 ਫਿਰ ਸੀਨ ਕਾਫ ਬੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਐਡੇ ਸੋਖੇ ਨੇ ਕੱਕਾ ਲਿਖਣੇ ਆ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਤਸਬੀਹ ਲੈ ਲੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰਾ ਬੰਦਾ ਦਾੜੀ ਵਧਾ ਲੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਫਲਾਂ ਸ਼ਾਹ
ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਵੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਆਮਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਓਏ ਕੱਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜਰਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣੇ आप तो अपना दिफा करना चाहेंगे जो बोल रहे हैं जी तो नो ही दाते हैं बड़ी मेहनत बड़ी मशक्कत का काम है हाँ जी हाँ जी तो एंजी बंदा एंजी कार कार सारे पीरों पीर हो जान तुसी भी पीर नहीं बन जाओ नहीं नहीं मुझे पीर नहीं बनना नहीं जी तुसी भी बन सकती है ना अगर एड्डा सोखा शकूरा सब दस रहे ने बड़ी मेहनत का काम जे हुण जी मेरी बचपन दी गल्लां इहनूं याद ने आनी याद बाबा 6 साल किथे रहा है पानी आलियां टंकियां होंदियां ने इहनां दा काम करदा रहा अब्बा इहदा पलंबर सी हुण उत्थे पीर साहब ते सैयद साहब ते पता नहीं की कू 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 बण गए ने मैनूं तां इह नहीं समझ आउंदी जिहड़े लोक सैयदां दी इज्जत करदे ने उह इह क्यों नहीं वेखदे कि मतलब सैयद है भी सही या नहीं उधर वेख के गल कर मैं नहीं डरता जिन्ना जुन्ना को मोकल है अपने मोकलों को इना अगर तू बेगम को डरता ना तो हूं तक जन्नत ही हो जाता तू जिन्ना तू जिन्ना को डरता तो डर गई तो मैं अमल बनिया रात को कब्रिस्तान के अगे गुजरे ना तेन खौफ आंदा है कब्रिस्तान में बैठ कमाना चल कट्ट हां तू जो कट्ट ना पता मैं शकूर साहब आपका खुद का बयान आमिर फानी के लिए बदलता जा रहा है मुझे लगता है आपने भी सियासत सीख ली है बिल्कुल देखो ये थोड़ा मतलब थोनू समझना चाहिए अपने आप नू ही के, मतलब जो मैं कह रहे हैं यू में से लाइक दैट आई एम टेलिंग मतलब यू आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं अच्छा अच्छा मैं थोड़ा जिन्हें जरा यू नो असल मेरे पिंड के लोग वेखते हैं उन्होंने पता लगे कि जी मतलब शकूर साहब मतलब अंग्रेजी बड़े कोई लोग पंफलेट बढ़ गए इत्थे इश्तिहार बढ़ गए कि बाबा जी जरा जी बांग्लादेश दे जंगलों तो संन्यास करन तो बाद ते इंडिया दे एमपी यूपी बिहार दे जंगलों दे संन्यास करन तो बाद ते उस तो बाद कोहे काफ ते पता नहीं कितों कितों दे सारे काफ कूफ कट्ठे करके बाबा जी बड़ा इल्म लै के ते हुण आ रहे ने इत्थे अच्छा मैनूं इह दसो कि कल किहड़ा दिन है अमरीका दा गला सदर कौन होएगा फानी बाबा ले फानी बाबा और जो बाइडन बर्फ पै रही कल ए ठंड हो जानी है फिर तेन मैं दसिया अजकल बड़िया लंबी जुगता बाबा जी पता नहीं कितों आया यार तू इन ठंडिया ठंडिया जुगता मार रहा तू ठंड ठंड आ जागी भाई ठंड तो भी ठंड होगी और गर्मी होगी एलीवेटर कहंदे ने पता नहीं कित्थों पिंड तो आ जांदे ने इत्थे मतलब मैं मरो ते सिख लो थोड़ी जिनी
बकवास कर रहा है नजर आ रहे ने कोई चाह पता नहीं गलां सवाल भूल गया पता नहीं मैंने आपसे पूछा था कि आपने यहाँ की सियासत सीख लिया आप मुतवातिर अपना बयान बदल रहे हैं फानी साहब के बारे में बिल्कुल जी कर रहे देखो ये आजकल जरा तेन पता सियासत तो थोड़ा जिना जरा चल रहा सी ते उस हवाले नाल मैं थोड़ा जिना जरा सियासी वड़ गया बाकी मेरे जो मेरे ख्यालात है जो मेरे सेंटीमेंट है वो इस जरा जो बंदा बैठा ताड़े नाल बिल्कुल जाहल बंदा इनू किसी चीज़ का किसी गल का कोई नहीं पता ये सारिया चीज़ा मफरूजे ते करता है ठीक है जी ये जंतरियां वेख के उन्होंने लोगों के किस्मत के हाल दसदा तुहाडे कोल पूछेगा कि जी मैं तुहाडे जी इल्म औलाद बढ़ा रहा ठीक है अच्छा हाँ जी कुड़िए तेरा नाँ की है अच्छा उस तो बाद ना तो बाद अच्छा जी तेरी अम्मा का नाँ की है अच्छा जी तेरी तारीख पैदाइश की है इंज इंज करके फिर कहेगा अच्छा 143 143 तो पता तुहानू नहीं आप बताइए आई लव यू ठीक है उस तो बाद कुड़िया कह दिंदा कि जी 143 कितने तो इन्हों मार पै जाती है लेकिन कितने बकवास से टाइम जाया कर रहे कोई बाबा जी को सवाल जवाब करो कुछ फजूल गल्ला लै गए बह गए बाबे बाबे मीडिया एक बंदे इतने $10,000 दिहाड़ियां ला के जांदा है फिर उस तो बाद जाके वेखो पिंड जाके इन्होंने कितने उत्थे कोठियां पाईयां ने कितने किन्ने ट्रैक्टर लै ने इन्होंने मरासी भी इन्हां दे रिश्तेदार हो गए जाहिल बंदा सिंगर सिंगर ठीक है मतलब हर बंदा शुरू हो गया तवीज देने लई भाई हर बंदा अच्छा मैं तुहानूं रेट दस रहा सी तलाक दा जी $250 क्यों जी सिर्फ 250 क्यों जी अगर कोई हवा तीन होवे ते बाबा अच्छा, ते 50 च भी गुजारा कर ले सस नु आराम करना ते ओदे लिए $400 ससा तंग बड़ियां करदियां ठीक है किसी दा बिजनेस खत्म कराना ता ओदे $600 क्योंकि तू बिजनेसमैन बनेगा ते तू बाबे कुछ दे $600 कदे आपने अपनी रेट लिस्ट बनाई है हां जी एदा रेट कार्ड है भाई जी एदा रेट कार्ड है ते तुहानूं की लगदा एदा रेट कार्ड है एदा फेसबुक पेज भी बढ़िया है उत्थे अमेरिका च एक बार डॉक्टर को जाएगी $400 में बिल ले लेंगे तो बाबा ले लेगा तो की तकलीफ बाबा का जी 24 घंटे के लिए टोल फ्री मशवरा मुफ्त ये वो मशवरा विच घेर लेंदे ने ये नवाणियां कुड़ियां जड़े ना औरतां जिहड़ी सीधियां साधियां होंदियां ने किसे किसे नु नूं नु सस नाल मसला सस नु नूं नाल मसला उस तों बाद किसे नु देवर नाल मसला मेरे आसाना वेखो जी एड्डा वड्डा बनाया सारी हवा तीन आ के राती रहंदियां ने इत्थे कोई मसला नहीं है उहनां नूं ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੰਦ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਐਲਾ ਬਾਬਾ ਪੂਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦਾ ਝੇੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ
मिसकीन गरीब बन गए बाबे ने पता बाबे ने तरस होने आ जाना बाबे ने रोटी चाह पानी चलो जी बस मैं तेरा प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहे नहीं नहीं अभी कंटिन्यू है आप बोलें आप बोलना चाहते हैं तो कुछ नहीं कुछ चाय चाय पिलाओ प्रोग्राम तो बाद वो हम देख लेंगे आप कंटिन्यू करें तो भी कहते हैं हम देख लेंगे बस ठीक है मेरी गल्ला खत्म हो गया सारी फानी साहब आप बताइए अपने मुस्तकबिल के हवाले से क्या इरादे रखते हैं फिल्मों में काम कर दे मुस्तकबिल की प्लानिंग है शकूरे नाल गल ना कर उधर गल कर ओ मैम साहब जी बैठी है मैम नाल गल कर यार शकूरे तू पर्ची दे गया ऐसा जिथे असि दफ्तर नवे बनाने लगे अज हम ना वहां पे एक थाईलैंड में शकल वेख दी मेरी शकल ते की लिखे है तेरी शकल लिखे है बेवकूफ लोकां नूं बनाने वास्ते हाँ आस्ट्रेलिया तक असी जांदे अपने पूरे ऑफिस अप टू डेट रखांदे असी इंटरनेट वाईफाई सर्विस फ्री दें जिन्हें लोगों के सवाल जवाब आने शकूर उन्होंने जवाब दे कर हफ्ते च दो बार देखो जी मैं तो टीवी से भी असं चला दो बार हफ्ता शकूर जवाब दे करेगा तुम यह कमर्शियल चला दे नहीं नहीं बिल्कुल हम कमर्शियल नहीं चलाते कमर्शियल चलाओगे उन्होंने इस चीज में यह दो नंबर बंदे का कमर्शियल चला लेंगे हम जाली इश्तहार बिल्कुल नहीं चलाते जैसे लोग गुमराह हों जाली पर बैठे हैं कुड़िये तू भाज आ जा तू अपनी आकता सही अरे नहीं भाई मैं आपकी होस्ट हूं आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते तन्नू कुड़ी कह तन्नू कहना माई बुला देता है तेरे पैरों दे विच मुक्कल फिरन लगे ने ना चेन पा लेनी है गल करन दे नू तमीज नहीं ना कोई कुड़ी बैठी है कोई माई बैठी है अच्छा माई कहना नू अच्छा सारे नू समझदा है ना कि तवीज तबूज लेने ने ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਵੀਜ਼ ਤਬੂਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ बाबा जी को बाबा जी दो नंबर है ठीक है ये जे बाबा जी है जेब ते भी बारे है इन्हां तो बचना चाहिए इंसान ठीक है बंदा मूह काला करे लेकिन सही तरीके नाल करे जा फेफड़े काले हो गए ने अंदरों चरसा पी पी के बाबे ने चरसा पीने कदी कदी भंग उठ लैने चरस नहीं कदी पी वेख मेनू तो लगता है लकीरां भी छिक दे ओ जिहड़ियां लकीरां नहीं हुंदियां शकूर साहब नहीं नहीं बस ये जिहड़ा पाउडर हुंदा ओ इंज नहीं हुंदा शकूर साहब नहीं ए जी ए शकूर साहब अवर हो रहे जी तुसी अपना प्रोग्राम ए पोडरी ओ इजाजत चाहती फिर अस जाइए फिर नहीं बैठी रही है मुझे चाह शाह आ रही है नहीं आप बैठे नाजरीन ये जाली बाबे ना सिर्फ हमें मिलकर बेवकूफ बनाते हैं बल्कि हमारा बहुत सा माली खसारा भी कर सकते हैं तो जितना हो सके इनसे दूर रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज शुक्रिया मेरे नाल शामिल होने के हर काम दे विच हर दो नहीं 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 झूठ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं Taking.